हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बेसिक चेस गेम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चेस का ओरिजिन इंडिया में हुआ था और इसका जिक्र रामायण में भी था। हम जानते हैं कि रावण की पत्नी ने चेस रावण के लिए बनाई थी ताकि रावण का दिमाग तंदुरुस्त रहे और वो किसी गलत चीज़ों में ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेस बोर्ड लगाते कैसे हैं। जी, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वाइट साइड के जो राइट साइड पे कॉर्नर स्क्वायर है, ये वाइट स्क्वायर वाइट कलर का होना चाहिए, और सेम ब्लैक साइड के जो राइट साइड पे कॉर्नर स्क्वायर होगा वो वाइट स्क्वायर का होना चाहिए। उससे हमेशा ये पूछते हैं कि किंग और क्वीन किस स्क्वायर पे लगेंगे, और शायद आपको भी यही डाउट होता होगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जैसा कि हम जानते हैं कि लड़कियों को अक्सर मैचिंग कपड़े पहनने की आदत होती है, मैचिंग शूज़, मैचिंग ड्रेस, तो वैसे ही वाइट क्वीन और ब्लैक क्वीन भी अपने मैचिंग स्क्वायर पे ही हो गए। वाइट की क्वीन वाइट स्क्वायर पर, या हम कह सकते हैं D1 स्क्वायर पर, और ब्लैक की क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर, या हम कह सकते हैं D8 स्क्वायर पर। और किंग का क्या है? किंग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो तो क्वीन के साथ खड़ा रह जाएगा। और अब मैं आपको बाकी पीसेस लगाना सिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरा लगा हुआ बोर्ड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपके कॉर्नर पे दो हाथी होंगे, उसके बाद दो नाइट होंगे, और उसके बाद दो बिशप होंगे, और राजा और रानी सेंटर में रहेंगे। जैसा वाइट लगेगा वैसा ही ब्लैक लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वाइट की क्वीन वाइट स्क्वायर पर और ब्लैक की क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर। अब मैं आपको फाइल्स और रैंक के बारे में बताऊंगा। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, इसे हम फाइल कहते हैं। जैसे कि ये ए फाइल है, ये बी फाइल है, ये सी फाइल है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम रैंक कहते हैं। ये आपकी फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, और ये फोर्थ रैंक है। और चेस में हर एक स्क्वायर का एक नाम होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये D4 स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे D लिखा हुआ है, और ये 1, 2, 3, 4, तो ये D4 स्क्वायर हो गया। वैसे ही ये E4 स्क्वायर हो गया, ये F4 हो गया, F और 4। अब मैं आपको चेस पीसीज के जो नेम होते हैं, जो कि चेस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वो बताऊंगा। जैसे कि ये प्यादा है, या फिर हम इसे चेस की लैंग्वेज में पॉन कहेंगे। और अब ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ऊंट कहेंगे, और चेस की लैंग्वेज में हम इसे बिशप कहेंगे। और उसके बाद आता है हाथी, या फिर हम इसे रुक कहेंगे, चेस की लैंग्वेज में हम इसे रुक कहेंगे। और ये है नाइट, जिसे हम घोड़ा कहते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके किंग और क्वीन, जिसे हम राजा और रानी कहते हैं। और अब मैं आपको चेस पीसेस की मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ये है पॉन, जो कि सीधे चलता है, या तो एक स्टेप, पहली बार दो स्टेप। जब तक पॉन सेकंड रैंक पे है तो वो दो कदम चल सकता है, उसके बाद वो एक कदम ही चलेगा। और जो पॉन है वो अपने आगे के सीधे के जो दो स्क्वायर है वहाँ पे कट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ओपोनेंट का कोई पीस F5 स्क्वायर पे हो या H5 स्क्वायर पे हो, तो ये पॉन उसे कट कर सकता है। और अब आता है बिशप। आपका बिशप डायगनली मूव करता है, जैसे कि ये बिशप यहाँ पे मूव कर सकता है, और इस पूरे डायगनल पे मूव कर सकता है, पीछे को या इस तरफ। और जो वाइट स्क्वायर बिशप है वो सिर्फ वाइट स्क्वायर पे चल सकता है, जैसे कि ये बिशप सिर्फ वाइट स्क्वेयर्स पे चलेगा, ना कि डार्क स्क्वेयर्स पे चलेगा। और वैसे ही जो ब्लैक स्क्वेयर बिशप है वो सिर्फ ब्लैक स्क्वेयर्स पे चलेगा। और अब आता है नाइट, जो कि पूरे चेस बोर्ड का सबसे ट्रिकी पीस है, जिसकी मूवमेंट्स भी थोड़ी ट्रिकी रहेगी। तो हमारा नाइट यूजली दो स्टेप सीधे, और या तो फिर लेफ्ट या तो राइट चल सकता है। यूजुअली सीधे लेफ्ट या राइट, सीधे
लेफ्ट या राइट। इसमें भी देखिए सीधे जा सकते हैं या तो लेफ्ट या तो राइट। और अब आपका नेक्स्ट पीस आता है रुक, जो कि सीधे चल सकता है और साइड को चल सकता है, या तो हम कह सकते हैं वो वर्टिकली चल सकता है या हॉरिजॉन्टली चल सकता है। और रुक पूरे आपके फाइल कवर करता है और रैंक कवर करता है। और अब आती है क्वीन, जो कि पूरे चेस बोर्ड की सबसे पावरफुल पीस है, जो कि आपके डायगनली भी चल सकती है और वर्टिकली भी चल सकती है, हॉरिजॉन्टली भी चल सकती है, जो कि आपकी सबसे मोबाइल पीस है, जो कि कहीं भी जा सकती है। क्वीन सिर्फ नाइट की तरह नहीं चल सकती। और अब लास्ट में आता है किंग, जो कि सिर्फ एक स्टेप चल सकता है। किंग वो एक स्टेप किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, पीछे को भी चल सकता है, साइड को भी, कहीं पर भी चल सकता है। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको चेस पीसेस के पॉइंट्स और वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है पॉन, जिसका 1 पॉइंट है, और उसके बाद आते हैं बिशप, जिसके 3 पॉइंट्स ईच है, और उसके बाद आते हैं नाइट, जिनके भी 3 पॉइंट्स ईच है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो नाइट दो बिशप के इक्वल है, क्योंकि दो नाइट्स भी 3 पॉइंट्स ईच है और दो बिशप के पॉइंट्स भी 3 पॉइंट्स ईच है। और अब नेक्स्ट आते हैं आपके रुक, हर एक रुक की वैल्यू 5 पॉइंट है, रुक की वैल्यू 5 पॉइंट्स ईच है। और अब हमारे पास बोर्ड पे सबसे पावरफुल पीस है क्वीन, जिसकी वैल्यू 9 पॉइंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रुक एक क्वीन से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्वीन की वैल्यू 9 पॉइंट्स है और दो रुक की वैल्यू ऐड करके 10 पॉइंट्स है। और अब लास्ट में आता है किंग जी, इसे क्या कहना, इसकी वैल्यू तो अनलिमिटेड है, इसे ही तो आपको बचाना है। और अब मैं आपको चेस के एक रूल कैसलिंग के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, कैसलिंग का मतलब होता है किला बनाना, जो कि हमारे किंग को सेफ रखे। कैसलिंग के लिए हमारे किंग और रुक के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे किंग और रुक के बीच में कोई भी पीस नहीं है। हमारा नाइट F3 स्क्वायर पे है और हमारा बिशप C4 स्क्वायर पे है, और हमारा किंग अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से नहीं हिला होना चाहिए। हमारा किंग E1 स्क्वायर या E8 स्क्वायर पे ही होना चाहिए, और किंग को चेक भी नहीं होना चाहिए किसी पीस से। हम कैसलिंग दोनों साइड कर सकते हैं, हम अपनी कैसलिंग किंग साइड भी कर सकते हैं और क्वीन साइड भी कर सकते हैं। और क्वीन साइड के लिए भी हमें सेम रूल्स अप्लाई करने होते हैं कि हमारे किंग और रुक के बीच में कोई पीस ना हो, और हमारा किंग चेक पे ना हो, और हमारा किंग E1 या E8 स्क्वायर पे हो। तो हम जैसे कि इस पोजीशन पे क्वीन साइड कैसलिंग कर सकते हैं, तो हम इस पोजीशन पे क्वीन साइड कैसलिंग कर सकते हैं। इस पोजीशन पे ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग की है और वाइट ने क्वीन साइड कैसलिंग की है। तो अब लास्ट में मैं आपको चेकमेट के बारे में बताऊंगा। चेकमेट के लिए ओपोनेंट किंग को चेक होना चाहिए और उसके किंग के पास कोई भी स्क्वायर चलने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे ही ओपोनेंट की चेकमेट हो गई तो गेम ओवर हो गई और आप जीत जाओगे। मैं आपको एक सैम्पल गेम में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर ओपोनेंट के किंग को क्वीन से चेक है और ओपोनेंट के किंग के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है। वो हमारी क्वीन नहीं कट कर सकता, क्योंकि हमारी क्वीन को बिशप की प्रोटेक्शन है। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क, आप इस पोजीशन को देखिए और बताइए कि वाइट ब्लैक की चेकमेट कैसे करेगा 1 मूव में। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पोस्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।